किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश को 2022 तक कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। कमल पटेल ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अब किसानों को MRP का लाभ दिलाया जाएगा, इससे किसान आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बन सकेंगे। कमल पटेल ने इन दिनों जगह जगह किसान चौपालों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। कृषि क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह सरकार किसानों की सरकार है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लाए गए कृषि कानून से किसानों की आय कई गुना बढ़ेगी। किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को अधिक मुनाफा होगा, फसलों का अधिकतम मूल्य किसानों को मिलेगा, जिससे किसान समृद्ध बनेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों सहित ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। इससे ग्रामीणों और किसानों को गाँव में मौजूद उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाएगा। किसान अब खुद उद्योग धंधे लगा सकेंगे। 10 दिसंबर को ग्राम भेसादे में किसान चौपाल लगाई थी मैंने। उसके बाद कनारदा में खेत चौपाल लगाई। खाते गांव में एक सामूहिक विवाह के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के सब किसान आए थे, सभी पार्टियों के थे, वहां भी मैंने चौपाल लगाई। किसानों के हित में ये बिल है। प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय दोगुना करने का 2022 तक का लक्ष्य रखा, उसको पूरा करने के लिए है। और ये तीनों कानून में संशोधन किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेगा, दशा और दिशा बदलेगा। और इसलिए गांव-गांव हम समझा रहे हैं और जहां भी हम जा रहे हैं और बताते हैं तो सारे के सारे लोग हाथ उठाकर इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी का कह रहे हैं कि जारी रखो, हम आपके साथ हैं। और कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस के जो चुनाव लड़े विधायक का, वो भी इस बिल के समर्थन में हाथ उठाए हैं सब लोग, क्योंकि ये बिल किसान की तकदीर तस्वीर बदलेगा। और अभी तक जो खेती घाटे का धंधा थी वो अब लाभ का धंधा बदलेगा। अब किसान सिर्फ खेती नहीं करेगा, व्यापार व्यवसाय उद्योग भी लगा सकेगा, क्योंकि उनकी ग्रामीण स्वामित्व योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से उनको ग्रामीणों को अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलेगा, जिससे वो बैंक से लोन लेकर शासन की योजनाओं का सब्सिडी का लाभ लेंगे। और अभी तक जो उद्योगपति बने अरबपति खरबपति, वो सिर्फ प्रॉपर्टी की शहर की वैल्यू होने के कारण बैंक से लोन लिया, शासन के अनुदान का फायदा लिया, वो ग्रामीण क्षेत्र को आजादी के 70 साल बाद नहीं मिला। लेकिन मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की है, सही मायने में गांव को आजादी दिलाई है। और इसलिए अब गांव के लोग खेती व्यवसाय व्यापार उद्योग भी लगा सकेंगे। और जो 4 रुपए में बेचते थे, अब वो व्यापारी जो बिचौलिया कमाते थे 40 रुपए, अब वो किसान कमाएगा। इससे किसान की आय 2 गुना 4 गुना और 5 गुना और 6 गुना होगी। इससे किसान आत्मनिर्भर होगा, और जब किसान आत्मनिर्भर होगा तो ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग धंधे लगेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र को रोजगार मिलेगा, तो गाँव की बेरोजगारी भी दूर होगी, और गाँव से जो पलायन होता शहर में वो भी नहीं होगा, और गाँव और शहर का जो भेद है वो भी खत्म होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।